समय आप देख सकते हैं वहाँ पे बाइकों पे कुछ लड़के आ गए हैं। अभी छुट्टी होने वाली है और ये लड़के सारे अभी जो है यहाँ पे लड़की से बदतमीजी करते हुए नजर आएंगे। और लड़कियों में की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक जमावड़ा यहाँ लोगों का लगा हुआ है। बाइकों में लोग ज़्यादा इकट्ठे हैं यहाँ पे, सुरक्षा की एक बहुत यहाँ पर अभी थोड़ी देर में लड़कियों की छुट्टी होगी। गाँव के मनचले एक एक मोटरसाइकिल पे चार चार पाँच पाँच आएंगे, उसको छेड़ते मिलेंगे। प्रशासन में अगर कर दो शिकायत कर दो, हाँ जी भेजेंगे, वो साल में एक बार भेज देते हैं फिर चुप हो जाते हैं। अभी अगर कोई यहाँ एक किट लगे 100 पुलिस वाले आ जाएंगे। कोई दूसरी काम होती है जहाँ पुलिस की फायदा हो वहाँ पुलिस मिल जाती है, जहाँ फायदा नहीं वहाँ नहीं आएगी। क्षेत्र से बच्चे, हजारों बच्चे आते हैं और बच्चे के यहाँ पर सुरक्षा और जितने अवैध लोग रहते हैं यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे अभी थोड़ी देर में आपको। लड़कियों की छुट्टी होने वाली है, आप देख सकते हैं लड़कियाँ यहाँ से छुट्टी हो चुकी है। लगभग 5 स्कूल यहाँ पे मॉडल स्कूल हैं जिसमें लगभग 20 से 25 हज़ार लड़कियाँ पढ़ती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है और प्रशासन की कोई यहाँ जिम्मेदारी होती हुई नज़र नहीं आ रही। कोई ड्यूटी पर यहाँ पर तैनात पुलिसकर्मी हमें नज़र नहीं आया। मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा एक बार कैमरा पूरा पैन करके दिखाएंगे, चाहे तो किस तरह से यहाँ पर मनचलों का आतंक फैला हुआ है आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा को पैन करके दिखाऊँगा। यहाँ पर जो है लड़कियों की सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे इस समय यहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन जो यहाँ के शासन और प्रशासन है वो इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं है और अपनी जिम्मेदारियाँ समझने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। साथ आप देख सकते हैं बाइकों पे एक झुंड बना के यहाँ पे ग्रुप बना के यहाँ पे लड़कों का आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से किस हिसाब से लड़के यहाँ पे ग्रुप बना रहे हैं और आए दिन लड़की से छेड़खानी करती हैं। और काफ़ी शिकायतें आने के बाद भी जो है यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई इन मंचलों के ऊपर नहीं करता, इन यहाँ के लड़कों के ऊपर नहीं करता। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे जो है आतंक बना हुआ है मंचलों का और 20 से 25 हज़ार लड़कियाँ जो हैं रोज़ाना इसी रास्ते से निकलती हैं और इनकी सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में प्रशासन अपनी सोई हुई नींद से जागकर बच्चियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कार्रवाई करता है या नहीं करता है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।